एक्स का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करके निकालेंगे क्योंकि इसी में से एक्स का मान क्या करना है, खींचना है, ठीक है। तो इसे मैं सबसे पहले उतार दूंगा। अब आप बोलोगे कि आपने तो 3x-2 नहीं दिया, तो मैं बाद में दूंगा, इसको मैं इसे उतार दूंगा। 81 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा यानी कि अभाज्य गुणनखंड, तो लिख सकता हूँ 3 का पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 81 को जब मैं इसे तोड़ूंगा तो है ना 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 है तो 27, फिर 3 9 और फिर 3 3, तो 3 4 बार लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। क्या मैंने छोड़ा था 3x-2, चिपका दो यहाँ पे, वापस यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो ये है कि 1 का पावर m रहेगा और n रहेगा, तो 1 का पावर mn हो जाएगा, यानी कि कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, तो a तो a और mn को गुना किया था, mn को गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो इसको मैं इसे करके उतार दूंगा। बराबर 3 है तो 3, तो दोनों का गुना करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना के बाद और घटाओ के बाद का ब्रैकेट में देंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12x, वो ना प्लस 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 4 12x, फिर प्लस और माइनस माइनस, 4 को 2 से करेंगे तो 8, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, क्योंकि ये गुना, क्योंकि 4 और इसको गुना करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट का मतलब गुना, कितना हो जाएगा 12x-8 हो जाएगा। फिर देखिए बराबर है और इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो जब बराबर है ना दोनों तरफ का, इसको बोलते बेस या आधार, सेम रहेगा तो कट जाएगा, क्या बचा 8x, तो बराबर क्या बचा 12x-8, तो कितना हो जाएगा 8x, x को एक तरफ करेंगे तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस, साइन चेंजेस होगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये 8 हो जाएगा -8, फिर 12 में 7 गया तो 4, दोनों में से 12 12 का चिन्ह माइनस और माइनस, फिर इधर x हो जाएगा इधर x, फिर यहाँ पे -8, तो इधर भी माइनस कट जाएगा, तो दोनों के बीच में गुना है, तो फिर 4 का 4 4 दोनों 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 हो गया।